अस्सलाम वालेकुम, मैं राना हसन चौहान। आज एक नए टॉपिक के साथ, आज हमारा टॉपिक है हेल्थी वर्सेस जंक फूड। तो हम आज इसकी पूरी तफसील जानेंगे और ये हमारी बॉडी पर कैसे इम्पेक्ट करती है इसकी भी तफसील जानेंगे और बकायदा डायग्राम बना के हम इसकी पूरी तफसील जानते हैं। तो चले इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जी, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हेल्थी वर्सेस जंक फूड। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम बना के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने डायग्राम बना लिया है, अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो एक बनाया ये फ्रंट बनाया और ये हमने साइड बनाया। तो अब हम इस बॉडी के हिसाब से इसकी तफसील वगैरह देखेंगे कि हेल्थी और जंक फूड का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्दी फूड कौन कौन से। तो इसमें हेल्दी फूड में आपके पास जो सा डेरी आ जाएगा, उसके बाद एग्स आ जाएगा, उसके बाद मीट आ जाएगा, उसके बाद हम वेजेस आ जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, नट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हेल्थी फूड की लिस्ट है। और जंक फूड की हम लिस्ट देख लेते हैं। इसके अंदर जंक फूड में हमारे पास जो इसमें प्रोसेस फूड आ जाएगा, फास्ट फूड आ जाएगा, उसके बाद इसमें बेकरीज आ जाएगा, उसके बाद इसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी, इसके बाद इसमें पिज्जा, उसके बाद समोसा, पकोड़ा, ठीक है, जो भी यानी के डीप फ्राइड कर ले इसको। तो इसमें ये लिस्ट है इसकी, हेल्थी फूड वर्सेस जंक फूड। तो हम इसमें देखते हैं कि हेल्थी फूड जो होता है इसका हमारी जो बॉडी पर इम्पैक्ट है, जब हम हेल्थी फूड खाते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस फूड को जब वो प्रोसेस करता है, फर्ज करें मान लें कि ये हमारी इंटेस्टाइन, तो जब इसमें हमारा फूड पहुंचता है तो यहाँ पे फूड आएगा हमारा, ये समझे फूड है। और इसमें होती है वेन्स, जो वेन्स होती हैं वो एनर्जी को लेके चली जाती हैं। हमारा फूड में फाइबर की मिकदार अच्छी होगी, जिसकी वजह से हमें हमारा जो फूड है वो स्लो डाइजेस्ट होगा और हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती रहेगी, हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा इस अंदाज में। ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल। तो बेसिकली फाइबर रिच होने की वजह से हमारा जो फूड है, क्योंकि फाइबर खुद न्यूट्रिशन नहीं है, उसका काम है हमारे फूड को बेहतर और अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करवाना। तो उसके साथ साथ हमें जो एनर्जी मिलती रहेगी वो हमें लॉन्ग टर्म मिलती रहेगी। और अगर यही प्रोसेस हम जंक फूड के साथ लें, तो जंक फूड में फर्ज करें ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें ये आपका फूड आ रहा है, ये हो गया जंक, ठीक है, जंक फूड। तो जिस वक्त ये फूड आपका आएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की मिकदार नहीं होती और ये प्रोसेस्ड होता है, ये यकदम आपको लगता है कि एनर्जी दे रहा है, यकदम बूस्ट दे रहा है, तो उसकी बिना पे क्या होता है कि ये वाला आपका फौरन एनर्जी लेके जाएगा, लेकिन बॉडी उसको अपनाएगी नहीं। तो उसकी सूरत में क्या होगा, ये अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर है इसके अंदर, तो ये बॉडी की लेयर है, ये जैसे बॉडी की लेयर है, तो वो आपके ऊपर फैट चढ़ाना शुरू कर देगी, ये फैट, हर चीज पे फैट आ जाएगा, ये हो गया फैट लेयर। तो इसकी वजह से हमारे जिस्म पर फैटी लेयर आना शुरू हो जाएगी, सिर्फ जिस्म पे नहीं, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी फैटी लेयर आ जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी कहीं कंज्यूम होगी नहीं,
और आपको वो फैट कर देगी। तो इसका हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो आप अगर देखें तो ये वाला जो सारा फूड है, ये सारा फूड सोडियम, शुगर और सैचुरेटेड फैट, टोटल जंक फूड आपका इसके ऊपर है। जबकि हेल्थी फूड में ऐसा नहीं है। हेल्थी फूड आपका बहुत स्मार्ट और बहुत जबरदस्त फूड है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता रहता है और आप हेल्थी रहते हैं। तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये था कि हेल्थी फूड और जंक फूड में क्या फ़र्क है, कि हम इसमें से कौन सा चूज करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा और आप अपना बेहतर फूड चुन सकते हैं। तो वर्जिश करें, हेल्थी खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही आपका सरमाया है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।